रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी 3 में कंटेस्टेंट शो में बने रहने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन विशाल पांडे और अरमान मलिक का झगड़ा इस सीजन में अब खूब पॉपुलर हो रहा है। अरमान मलिक कभी मच्छर बोलकर तो कभी विशाल के पुराने डांस क्लिप का जिक्र करके उन्हें ट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं विशाल भी बैकफुट पर आने के बजाय अरमान को करारा जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोनों का झगड़ा लगातार जारी था, लेकिन इसी बीच अब खबर है कि दोनों की जुबानी जंग अब हाथापाई में तब्दील हो गई है। बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द खबरी ने एक पोस्ट में बताया है कि बिग बॉस हाउस में अरमान मलिक ने विशाल पांडे को जोड़ का थप्पड़ जड़ दिया है। बता दें कि बिग बॉस हाउस में खिलाड़ियों को एक दूसरे पर हाथ छोड़ने की इजाज़त नहीं होती है और ऐसा होने पर मेकर्स सख्त एक्शन लेते हैं। हाथापाई की स्थिति में मेकर्स कई बार ऐसा करने वाले कंटेस्टेंट को बाहर भी कर देते हैं। मालूम हो कि बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरेल को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन इसके बाद मेकर्स ने काफी पड़ताल किया और पाया कि समर्थ और ईशा ने काफी वक्त तक अभिषेक को ऐसा करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठे थे। लेकिन क्या अरमान के मामले में भी उन्हें मेकर्स की इसी तरह से छूट मिलेगी या फिर उनका एविक्शन पक्का है? इन सवालों के जवाब जल्द फैंस को मिल जाएंगे। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर फैंस के बीच आपस में तूतू मैमे हो गई है। एक फैन ने लिखा, विशाल को भी बदले में 2-3 थप्पड़ जड़ देने चाहिए थे। वह एक ने लिखा, अरमान को निकालो, नेक्स्ट अभिषेक कुमार मत बना देना। आपको बता दें कि कुछ समय पहले विशाल और लव आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अरमान की पत्नी कृतिका आ जाती है। विशाल लव के कान में धीरे से कहते हैं कि कृतिका भाभी आज बहुत अच्छी लग रही है। अब इसी बात का मजाक बनाते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स फनी रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा, बीवी पे नजर डालोगे तो थप्पड़ तो खाओगे ही ना। वह एक ने लिखा, भाभी ने बता दिया होगा इसलिए मारा। वह एक ने लिखा, चलो एक था जो दिमाग से खेल रहा था, वो भी घर से बाहर हो गया। जहाँ कई लोग इस झगड़े को लेकर चिंतित हैं, वहीं कुछ फैंस की जिज्ञासा इस बात को लेकर भी है कि अब विशाल शो में रहेंगे या निकल जाएंगे। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।